हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आर्किटेक्चर स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप बात करते हैं एडवांस एक्सेल के बारे में। दोस्तों, आज के हमारे इस क्लास में हम बात करेंगे कि चीजों को हम कई तरहों से कर सकते हैं। बात होती है कि वो सिंपल है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, आपके सामने दिख रहा है एक डेटा। मुझे इस डेटा में पता करना है सिंपली कि जोन वाइज टोटल रेवेन्यू क्या है, जोन वाइज टोटल रेवेन्यू क्या है। इसको पता करने के कई तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीका है कि डेटा सेलेक्ट करके आप पिवट लगा लें। क्या लगा लें? पिवट लगा लें। तो पिवट में मैंने क्या किया, यहां पे मैंने जोन और यहां पे टोटल रेवेन्यू डाल दिया। दूसरा तरीका है कि हम इस पे क्या लगा लें, फॉर्मूला लगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूनिक का फॉर्मूला दूंगा। यूनिक के फॉर्मूले से डेटा से पूरी की पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी, यूनिक लिस्ट। फिर यहाँ पे हम रेवेन्यू के टोटल के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, सम इफ का। कि सम इफ डेटा में जाइए और जोन को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सीट के अंदर A2 को सेलेक्ट कीजिए और फिर वापस डेटा में जाके रेवेन्यू को सिलेक्ट करके एंटर मारिए, फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। क्या हो गया आपका, ए हो गया हमारा दूसरा तरीका, जो कि हम सम इफ से पता किए। तीसरा तरीका है, अगर आप लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एक नया फॉर्मूला आया है, वो है ग्रुप बाय। जी हाँ, एक नया फॉर्मूला आया है, क्योंकि इसमें देखिए क्या हुआ कि ए फॉर्मूला अलग है, ए फॉर्मूला अलग है। अगर एक इधर नीचे इंक्रीज होता है तो फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला को नीचे मैन्युअली ड्रैग करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप पिवट लगा रहे हैं तो पिवट के अंदर में आपको जब यहाँ पे डेटा इंक्रीज होगा तो आपको यहाँ पे जाके डेटा को सोर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर ऑफसेट की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। तो हर जगह पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से हमारे पास एक नया आया है हमारे पास ग्रुप पाई। ग्रुप पाई में रो फील्ड हम सिलेक्ट करते हैं, तो रो फील्ड हमारा हो जाता है जोन। उसके बाद है वैल्यू, जो कि होगी रेवेन्यू, और यहां पे आता है फंक्शन। तो फंक्शन में मुझे करना है सम, तो हमने सम सिलेक्ट कर लिया। इधर यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया, यस यस एंड सो इधर चाहिए। और इसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये आपके सामने आ गया डेटा, जोन वाइज, और यहाँ पे टोटल भी आपके सामने दिख गया, एक सिंगल सेल फॉर्मूले के अंदर में हो गया। डिपेंड करता है कि आप इसको विजुलाइज कहाँ करना चाहते हैं। इसको फिर हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट के थ्रू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें हम काम कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस रिपोर्ट को कितना जल्दी आपको बना के भेजना है, उस सब पे फैक्टर डिपेंड करता है कि क्या यूज करोगे आप। रिपोर्ट बनाने का फ्रीक्वेंसी क्या है, कि डेली बनाना होता है, दिन में कई बार बनाने होते हैं, मंथ में बनाने होते हैं, कभी काल बनाने पड़ते हैं, आज फर्स्ट टाइम इसकी जरूरत है, इन फ्यूचर में नहीं होगी, उस पर हम डिपेंड करते हैं कि क्या हम चूज करें। आप बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेज और बीवीए टूल्स वगैरह लगा देने से नहीं होता है। हमें किस समय क्या चीज का चूज करना है ये डिपेंड करना होता है। ये चीज आपको सिखाता है एक वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन करें हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जो कि स्टार्ट हो रही है 9 मार्च से रात के 9 बजे, जिसमें हम एक कंप्लीट एक्सेल 365, जो कि लेटेस्ट है, वो कवर करेंगे। सारे के सारे पिवट एंड डैशबोर्ड कवर करेंगे, 300 से ऊपर फॉर्मुलेज कवर करेंगे, पावर क्यूरी कवर करेंगे, डायनेमिक चार्ट कवर करेंगे। मतलब कि इसको सीखने के बाद ऑफिस के अंदर हर तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो सामने स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे फटाफट मुझे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। जस्ट 10 से 12 लोगों का ही सीट होता है। थैंक यू।